मंत्री शिलोई को नागपुर में नाबालिग पर हुए सामूहिक बलात्कार को लेकर और महिलाओं पर लगातार बढ़ते अपराध के विषय पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की और बढ़ते अपराधों पर राज्य की महागठबंधन सरकार को भी घेरा। 29 जुलाई को नाबालिग पर हुए सामूहिक बलात्कार के कारण शहर दहलने के साथ अब राजनीति भी गरमा गई है। बीजेपी ने इस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने महिलाओं पर बढ़ते अपराध के चलते राज्य सरकार से मांग की और राज्य सरकार को घेरा भी। राज्य के महाविकास अघाड़ी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि शहर में हर रोज महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, गुंडागर्दी भी बढ़ रही है, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार कुछ नहीं करती। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है और तो और सरकारी अफसरों पर भी सरकार का डर नहीं है। बीजेपी की महिला मोर्चा की महामंत्री अश्विनी जिचकार के साथ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार से मांग की है कि नागपुर शहर के ऑटो चालक और शहर के बाहर से आने वाले गुंडों पर कंट्रोल रखा जाए, पीड़िता को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और बलात्कारियों को कठोर सजा। साथ ही कहा कि पुलिस विभाग के दामिनी पदक को सक्रिय किया जाए। आगे उनका कहना था कि महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए भरोसा सेल है, इसलिए जल्द सेंट्रल लाइन किया जाए, साथ ही शहर की पेट्रोलिंग की और सख्त की जाए, ऐसी उन्होंने मांगी की। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस पर एक्शन लेगी और क्या पीड़ित को न्याय मिलेगा, ताकि फिर ऐसी घटनाएं न घटे। इस नागपुर शहर में 19 जुलाई को जो दुर्दैवी घटना एक 17 वर्षीय अल्पवयीन लड़की के ऊपर घटी है, वो बहुत ही मन को और हृदय को चीर डालने वाली है। इस घटना में जिस लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ है, वो 3 घंटे में 2 बार सामूहिक बलात्कार हुआ है, और अगर किसी अल्पवयीन लड़की के ऊपर इस ऊपर राजधानी में ऐसा हुआ है, तो हम सब महिलाएं नागपुर शहर और महाराष्ट्र की महिला मोर्चा इस बात का निषेध करते हैं। यह नागपुर की जो यंत्रणा है, पुलिस यंत्रणा, यह पूरी तरह नाकाम हुई है। पेट्रोलिंग में कहीं तो भी पुलिस यंत्रणा कम पड़ गई है। महाराष्ट्र सरकार जो निकम्मी सरकार है, तीन तिगाड़ी काम बिगाड़ी सरकार है, इनको महिलाओं की सुरक्षितता के बारे में कोई भी संवेदनशील संभावनाएं है नहीं इनकी कि वो कुछ हमारे लिए करेंगे। नागपुर शहर कभी ऐसा शहर था जहां महिलाएं बहुत सुरक्षितता से बाहर निकलती थी रातों बेरात, पर आज के इस घटना से 19 तारीख के हम सब डरे हुए हैं। इस नागपुर की महिलाएं असुरक्षित होने के कारण हम इस सरकार को बताना चाहते हैं कि हम इस चीज़ का निषेध करते हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ अभिषेक पांसे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।